हाय दोस्त नमस्कार, पासवान ऑटो मोबाइल में आपका स्वागत है। मैं आज फिर से आप लोगों को भी एक वीडियो लेकर आया हूँ, जो वीडियो बोलेरो का है। ये बोलेरो 2 साल पुराना गाड़ी है, यानी कि आज जो वीडियो बन रहा है ये 2022 है और आज 1 तारीख है, दिसंबर का 1 तारीख है। तो दिसंबर की 1 तारीख 2022 को ये वीडियो बन रहा है और ये गाड़ी का उम्र 2 साल है। तो ज़्यादा दिन का गाड़ी है भी नहीं, मगर गाड़ी में प्रॉब्लम हो रहा है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। स्टार्ट हो रहा है यानी कि बहुत ज़्यादा क्रैंकिंग करने के बाद स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले कितना क्रैंकिंग करना पड़ रहा है। इधर दिखाओ, इंजन के पास ले आओ। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना देर तक क्रैंकिंग करने के बाद स्टार्ट हो रहा है। निकल आज मारो, आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ज़्यादा क्रैंकिंग हो रहा है। इसको मैं स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद आपको बताएंगे इसमें हुआ क्या है। तो चलते देखते हैं स्कैन करके कैसे क्या होता है, और मैं आज आपको कुछ नॉलेज देने वाला हूँ जो स्कैनर के ऊपर किस तरह आप स्कैन कर सकते हैं। चलिए वीडियो ले आओ, इधर आ जाओ। डायरेक्ट BS6 में जाना, क्योंकि BS6 गाड़ी है। 6 में गए, यहाँ पे आपको हम MT1 में जाएंगे। यहाँ पे लिखा ऑटोमेटिक स्कैन और सिस्टम सिलेक्शन, यानी सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। तो सिस्टम सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, जैसे कि इंजन के यहाँ पे रेड टबल कोड है, तो ये आपका फॉल्ट कोड इसमें आ गया। ठीक है, देखिए कितना सारा फॉल्ट कोड है, हम फॉल्ट कोड का डिटेल्स आपको नहीं बताएंगे, आप खुद ही देख लीजिए। ये सारा फॉल्ट कोड है, इस सारे फॉल्ट कोड से हमको लगता नहीं कि स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आएगा, हालांकि इसको हम क्लियर करेंगे, मगर इससे स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, और ये मेरा कहे हुआ बात पर पूरा फुल गौर नहीं करना है, हो भी सकता आ जाए, मेरे ख्याल से लगता है कि इससे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चलिए मैं बैक करता हूँ, ये तो आपको मैंने दिखा दिया, ये अब आपको मैं दिखाता हूँ। ये सिस्टम सिलेक्शन, अब ऑटोमेटिक स्कैन में गए, यहाँ पर आ जाएंगे, डायग्नोस्टिक लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्नोस करेगा, और यहाँ पर DTC रिपोर्ट इसको भी करेंगे, तो सारा फॉल्ट कोड इसमें आ जाएगा। ये देखिए सारे फॉल्ट कोड यहाँ भी आ गया। तो हम बैक करते हैं, तो मैं क्लियर कर देते हैं, जो फॉल्ट कोड आया था इसको मैं क्लियर करेंगे। क्लियर ऑल फॉल्ट कोड, नॉर्मल नो DTC नो, बैक कर दिए, यस। अब मैं इसको ऑटोमेटिक स्कैन में जाते हैं, फिर से स्कैन करते हैं, रिपोर्ट में जाते हैं। यहाँ पे 2 फॉल्ट कोड अभी भी है, जो फॉल्ट कोड आपका दिख रहा होगा, ये फॉल्ट कोड आपका हो गया, ये जो मैक्सिमम शूट मास है ना, इसको रीसेट करना होता है। इसका वीडियो बाद में देंगे हम, ये दोनों रीसेट होगा, इसका वीडियो बाद में देंगे, अभी इस पर बात नहीं करेंगे हम। मैं अभी स्टार्टिंग के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ मैं, तो मैं बैक कर देंगे BS6 कहाँ गया, अब हमें इसमें लाइव डाटा देखना है, लाइव डाटा यानी कि चल क्या रहा है इसके अंदर। तो मुझे तेल का प्रेशर ही देखना है नॉर्मली, तो मैं अभी रेल प्रेशर सेट पॉइंट, चलिए इसको मैं करते हैं, और रेल प्रेशर गवर्नल स्टेटस और मैक्सिमम रेल प्रेशर, चलिए मैं इनको लेता हूँ। सेटअप मतलब हो गया कि कितना प्रेशर होना चाहिए और मैक्सिमम मैंने कितना हो रहा है, इसी दोनों का फ़र्क हमको पकड़ना है। और रेल प्रेशर गवर्नर स्टार्टर इसको भी ले लेते हैं, ओके कर दिए। तो आपको यहाँ पे कुछ रीडिंग दिखाई दे रहा होगा, कैमरा ठीक करते हैं, क्या वो हाँ दिख रहा है, होगा क्या, ऊपर वाले जितना बढ़ेगा वो डिमांड प्रेशर उतना ज़रूरी है, उतना नीचे वाला भी होना चाहिए, तभी ये गाड़ी स्टार्ट होगा। तो मैं करता हूँ क्रैंकिंग, करता हूँ न्यूट्रल, देख ले न्यूट्रल है, तो मैं क्रैंकिंग करता हूँ, हालांकि दोनों लाल हो जाता है, देख। तो नहीं हो रहा है, देख रहे ऊपर वाला ज़्यादा ऊपर भाग रहा है और नीचे वाला प्रेशर हो ही नहीं रहा है, तो इससे पता चलता है कि इनका रेल प्रेशर कम है, यानी कि तेल का प्रेशर कम है और इंजेक्टर फायरिंग नहीं कर पा रहा है, इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो बाकी चीज़ सही है, तो अब हम इसको क्या करेंगे,
तो इनको प्रेशर नहीं हो पा रहा था, इसके लिए क्या करना होगा आपको? बहुत सारा सारा कारण होता है, ठीक है। तो अभी मैं कुछ ज़्यादा डीप में जाने का मूड में नहीं हूँ, क्योंकि शाम हो गया। तो मैं फ़िलहाल इनका इंजेक्टर को पहले टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि टैंकी का फिल्टर भी चेक करना ज़रूरी है, और उधर जाएंगे तो काफ़ी देर लगेगा, तो अभी उधर नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम ख़त्म है। डीजल फिल्टर जाम होने से भी आपको प्रेशर लो होगा, तो ये सारा चीज़ है, इसके वजह से भी प्रेशर लो होता है। तो अभी अब जो मेरे सामने है इंजेक्टर, इन्हीं को मैं पहले चेक कर लेता हूँ, इंजेक्टर सही है ख़राब है, इंजेक्टर ख़राब होगा तो भी इनका प्रेशर लो हो जाएगा। तो चलिए मैं इंजेक्टर का प्रेशर चेक करता हूँ। मैं मशीन और इसी बता दें, जो मेरे पास जो इंजेक्टर का बैक लीकेज चेक करने वाला जो मेरे पास टूल्स है, तो बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन टूल्स है। इससे आपको मैं एक चल बता पाएंगे कितना देर में कितना बैक लीकेज होना चाहिए, इससे आपको काम करने में बहुत ही सुविधा हो जाएगा। मैं तेल है तेल को बाहर, रुक दो पहले फिटिंग कर। तुम देख पा रहे हो, तुम देख पाओगे तो वीडियो में दिख पाएगा। डायरेक्ट इन करो, देखिए डायरेक्ट हो जाएगा। एक नंबर करो, एक नंबर करो, ठीक है। वैसे वीडियो बंद करो, रुक रखो उसको, बड़ा हो जाएगा वीडियो। चलो तो ये सेटअप आपको लगकर तैयार हो गया है, तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ इसको। तो एक बार क्रैंकिंग किया गया है, इस समय तो टाइम सेटिंग है, अपने आप आपको क्रैंकिंग छोड़ देगा, कंटिन्यू क्रैंकिंग नहीं कर सकते। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका, इधर लाइट दिखाओ बेटू, ये तीन नंबर का तेल इतना आ गया, करीब एक फुट में इतना तेल नहीं आना चाहिए। इधर लाइट दिखाओ, ये दो नंबर में एक इंची का लगभग तेल है, तो वो एक इंची वाला खराबी है मान लीजिए। इधर देखो, इसमें देखो तो कहाँ पे तेल है, इसमें थोड़ा सा तेल है। तो इसको एक नंबर को हम सही बता सकते हैं, मगर हमें पूरा पकड़ पाएंगे क्योंकि यहाँ तो मशीन है नहीं, तो पूरा पकड़ पाएंगे हम जब इसको मैं स्टार्ट करके बैग लेकर चेक करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास स्टार्ट ना हो तो इस कंडीशन में, अगर इंजेक्टर का तेल उतना ज़्यादा चला जा रहा है क्रैंकिंग का समय, तो समझ लीजिए आपको इंजेक्टर ख़राब है। तो स्टार्ट करने के लिए हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको हम। अभी मैं क्या किया इसको, मैं जो पाइप देख रहा है ना, पाइप पूरा भरा हुआ है, यहाँ तक इसके अंदर पाइप भरा हुआ है, इसके अंदर पूरा तेल भरा हुआ है, ताकि मैं स्टार्ट करूँ तो इसमें तेल गिरना शुरू हो जाए, मैं तेल का क्वांटिटी नाप पाऊँ, इसलिए मैं पाइप को पहले भर लिया स्टार्ट करके। अब मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, और ये तीन मिनट का स्टार्ट रखेंगे, टाइम सेटिंग करके तीन मिनट में ही पता चल जाएगा कैसे लीक नहीं कर रहा। देख लो तेल लीक कुछ लो नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तेल लीक कर गया, तेल लीक कर गया, पाइप खाली हो गया, देखिए यहाँ से नीचे से तेल लीक कर गया, तो प्रॉब्लम आ गया, लीकेज नहीं होना चाहिए, लीकेज होने से आपको तेल का हिसाब नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो मैं इसको फिर से हमको स्टार्ट कर लेना होगा, और ठीक है मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ इसको। मैं फिर से इसको स्टार्ट करके पाइप को फुल कर लिया, पाइप पूरा भरा हुआ है, अब डायरेक्ट डब्बा में तेल गिरेगा, फिर हिसाब कर पाएंगे मैं कितना तेल इसमें गिर रहा है, बैक लीकेज कर रहा है। तो इसका टाइम सेटिंग है तीन मिनट में, आपको मैं रिजल्ट दिखाएंगे कितना तेल इसमें बैक जाना चाहिए। और अभी इसका एक मिनट 29 सेकंड हुआ है, इसमें तीन नंबर जो सीसी है पूरा भर के ओवरफ्लो हो रहा है, और दो नंबर भी ज़्यादा ही है, एक भी ज़्यादा ही है। तो लाइट आउट हो जब बोलेंगे गाड़ी बंद करना, बोलिए यहाँ से मौक पकड़ो, यहाँ से मौक पकड़ो, যখন বলবো
ठीक है बंद करो चलिए पूरा 3 मिनट इसको मैं स्टार्ट रखा धरो। अब इसका अगर बोले स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है रेट प्रेशर क्यों कम है तो 3 नंबर इंजेक्टर पूरा बैक है इसलिए नहीं हो रहा है। अब बाकी का जो दो कंडीशन है इसमें गाड़ी स्टार्ट होगा हल्का क्रैंकिंग लेगा स्टार्ट होगा मगर तेल आना कितना चाहिए तो जो मैं मेजरमेंट पहले से भी करके रखा हूँ ये 3 मिनट में 10 ml तेल आना चाहिए। 10 ml अगर तेल आता है तो बिल्कुल सही है 15 भी हो जाए तो गाड़ी चलेगा ठीक है 10 में बिल्कुल सही है 3 मिनट में और 15 भी आ जाए तो गाड़ी चलेगा। बाकी ये डिस्प्यूट है ये भी ख़राब है ये भी ख़राब है तो इसीलिए इसका रेल प्रेशर नहीं हो रहा है और रेल प्रेशर नहीं हो रहा है इसका स्टार्ट नहीं हो रहा गाड़ी है इंजेक्टर फायरिंग नहीं कर रहा है तो टोटल ही प्रॉब्लम है। मैं हटाओ बिट्टू पता चल गया होगा कि किस लिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो जो मैं आपको बताया इनको ख्याल कीजिएगा और मैं 3 मिनट का टाइम सेटिंग करता हूँ आप अपने हिसाब से कोई बढ़िया गाड़ी को इस तरह से चेक कीजिए और उसका अपने हिसाब से टाइम सेटिंग कीजिए जो अच्छा गाड़ी है उसका डाटा लीजिए और जो खराब गाड़ी है उसमें उनका यूज़ कीजिए पता चल जाएगा कैसा है। ये सारा डाटा मेरा खुद का बनाया हुआ है तो इसलिए मैं जो सही गाड़ी है उसको मैं चेक करने के बाद ही निकाला 3 मिनट में सही है और मैं जब इंजेक्टर को पूरा काम करा करके लाने के बाद जो फिटिंग किया फिटिंग करने का जो बैक लीकेज का डाटा है उनका उसी को लेकर आपको बता रहा हूँ। उसमें जब मैं 3 मिनट उसको चेक किया था तो यहाँ पे 10 ml तेल ही उसका बैक लीकेज आया था तो इंजेक्टर का काम करवाने के बाद तो वो सही था उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ इतना ही बैक लीकेज आना चाहिए और इस तरह काम कीजिए काम करने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा और सब कुछ ठीक ठाक मैं लगता है आपको समझा दिया। मेरा जैसे कि मेरा चैनल का नाम पासवर्ड ऑटोमोबाइल है अगर आपको वीडियो सही लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे ऐसा लगे कि मेरा सुनने वाले है कुछ तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊँ और मैं आपको तरह तरह के वीडियो देते रहेंगे जो बहुत काम का वीडियो होने वाला है सब्सक्राइब कीजिएगा तो उसमें आपको कुछ जाएगा कुछ कुछ नहीं जाएगा और नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा तो बहुत सारा वीडियो आपका चला जाएगा। ज़्यादा अच्छा लगता है अपने दोस्त यार को वीडियो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन चला जाए उनको पता चल जाए। रखते हैं दोस्त दोबारा मिलेंगे दूसरे टॉपिक पे बाय। हाथ में तेल लग गया तुम्हारा कटा।